नमस्कार दोस्तों, टैक्स बुलेटिन के स्पेशल एडिशन बजट बुलेटिन में मैं सीए हरीश गौर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बजट बुलेटिन में स्पेशल टॉक में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन श्री मुकेश बंसल जी। हमने उनसे बजट पर काफ़ी विस्तार में चर्चा की, तो जब हमने उनसे पूछा कि पीयूष गोयल जी के इंट्रीम बजट में और आज सीतारमन जी का जो फाइनल बजट आया है, दोनों बजट में क्या अंतर है, क्योंकि पीयूष गोयल जी ने जो बजट पेश किया उस बजट को सीतारमन जी ने बिल्कुल नहीं नकारा, कुछ एडिशनल डिडक्शंस लेकर आए हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि उस समय का इंटरिम बजट और आज का फाइनल बजट लगभग एक जैसा है। बेसिकली आज जो बजट प्रेजेंट हुआ है, ये गवर्नमेंट ने जो इंटरिम बजट पेश किया था फरवरी में, उसी एक्सटेंशन है और ये एक्सपेक्टेड भी था। इसके कई रीज़न हैं। एक्चुअली जो बजट इंटरिम पेश किया था, दैट वाज आल्सो प्रेजेंटेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट एंड लेड बाय अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एंड दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस बिकॉज द गवर्नमेंट इज सेम, एंड व्हेन द गवर्नमेंट इज सेम द पॉलिसी विल आल्सो रिमेन द सेम। जब गवर्नमेंट सेम होगी तो पॉलिसी भी सेम रहेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमने इंटरिम बजट में पास किया था उसी को आगे कंटिन्यू किया है। बिकॉज अगर हमने इंटरिम में कुछ पास किया और गवर्नमेंट उसी को एक्सटेंडेड बजट में या वी कैन से फुल फ्लेज बजट में आके चेंज करती है, तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमने इलेक्शन से पहले कुछ कहा था और इलेक्शन के बाद हम कुछ और गए हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड कि जो हमने इलेक्शन से पहले प्रॉमिसेस किए थे, चाहे अपने टैक्स पेयर से चाहे इंडस्ट्री से, उन्हीं प्रॉमिसेस को हमने मेंटेन किया है और उसे एक लॉन्ग टर्म दिशा देने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा बजट है, संतुलित बजट है। अपेरेंटली कभी कभी लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट इट इज़, अगर हम माइक्रो लेवल पर देखें तो इंडस्ट्री के लिए या जो बेसिक पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की गई है। तो सर, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमारी बहुत सारे व्यूअर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो आप प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि बजट में कुछ खास हम लोगों के लिए आया है या नहीं आया? बजट में अगर जनरल पब्लिक के व्यू पॉइंट से कहें तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई है जो काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेड थे। जैसे अब रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स को फाइल करना काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया। तो आपका रिटर्न का फॉर्म है, उसमें पहले जो इन्फॉर्मेशन आती थी, प्री फिल कहते हैं जिसमें ऑटो पॉपुलेटेड होती है, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती थी, केवल नेम और ये सब चीज़ होती थी। अब उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो नेटवर्क है, चाहे वो बैंकिंग नेटवर्क हो, जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो आपके स्पेंडिंग्स हैं, जो आपका GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो ऑटो पॉपुलेटेड होगी। तो जब ये चीज़ ऑटो पॉपुलेटेड होगी, वो अपने आप में प्रीफिल होगी, तो उससे टैक्स का इविजन कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आने वाले टाइम में जो इन्फॉर्मेशन हो SSC की, करदाता की, वो छुपा ना सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि वो चीज़ मैंडेटरी उसमें आएगी, चाहे वो इंटरेस्ट कहीं से उसे मिल रहा है, बॉन्ड से कोई इनकम है, शेयर का टैक्सेशन है, वो सब उसमें अपने आप आएगी। प्रॉपर्टी अगर सेल किया, वो ट्रांजेक्शन अपने आप रिफ्लेक्ट होएगा, तो अगर हम चाहें भी तो उसे छुपा नहीं पाएंगे। तो एक अच्छा बजट है। इस बजट में एक बात और भी है, गवर्नमेंट ने जो ड्रीम देखा है, जो प्राइम मिनिस्टर ड्रीम है, इट इज़ अ करप्शन लेस कंट्री, करप्शन फ्री कंट्री। दो चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस करने की कोशिश की हमेशा मोदी जी ने, कि एक तो इंडिया में करप्शन कैसे कम हो, तो उन्होंने ये कोशिश की है कि जो इनकम टैक्स का असेसमेंट होगा, स्क्रूटनी असेसमेंट होगा, वो केवल और केवल अब धीरे धीरे ई असेसमेंट होगा। उसमें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो किस ऑफिसर ने आपको इन्फॉर्मेशन कॉल किया है वो बताया नहीं जाएगा, बल्कि वो सेंट्रलाइज लेवल पर होगी, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होगा, वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन कॉल होगी, वहीं पर आपको रिप्लाई देना है। तो जब फेसलेस असेसमेंट हो जाएगा तो जो इंटरमीडिएटरी प्रैक्टिस थी वो काफ़ी कम हो जाएगी। वो तो सर असर दिख रहा है, क्योंकि डिजिटल एक चीज़ देने, हाँ, एक चीज़ और भी की इन्होंने कि जो कैश पेमेंट्स है, कैश पेमेंट्स, उस पर विड्रॉवल पे टैक्स लगाया केवल, लेकिन अभी बहुत अच्छी बात है कि वो हैवी अमाउंट्स पे है, कि अगर किसी के सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉवल होगा एक साल में, देन ओनली देयर विल बी 2% टैक्स। तो ठीक है, अच्छा है कि अगर कैश की, अगर इतना ज़्यादा कैश विड्रॉवल होता है 1 करोड़ से भी ज़्यादा, दिस इज ओनली कैश विड्रॉवल, नॉट बाय चेक। मैं चेक से अपने अकाउंट से कितना पेमेंट करूँ कोई मैटर नहीं करता, RTGS कितना करूँ, इफ़ इट इज़ विड्रॉन बाय कैश देन 2% TDS लगेगा, वो भी TDS की फॉर्म में, दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर फाइनल टैक्स। दोस्तों, ये बजट उनकी कसौटी पर कितना खरा उतरा, जब हमने उनसे ये पूछा तो उन्होंने इस बजट को संतोषजनक बताया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो सर, आप इस बजट को, क्योंकि आपने इंटरिम बजट भी देखा है और आज फाइनल बजट भी आ गया है, तो आप इस बजट को 10 में से कितने मार्क्स दे सकते हैं?
अगर मार्क्स से नहीं बताती है तो 10 में कम से कम 8.5। दोस्तों बजट पर ऐसी ही हमारी एक्सपर्ट टॉक चलती रहेगी, आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, टैक्स बुलेटिन 24 हमारा ट्विटर हैंडल है। आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू।